अब हम करेंगे डेल्टा डीवीपी में करंट आउटपुट वायरिंग ओके सो यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास दो चैनल्स हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियोस में तो यहां से आप दो करंट आउटपुट्स ले सकते हो मैक्सिमम टू ओके अब क्वाइट ईजी है यहां पे लिखा हुआ देखो आई जीरो प्लस एंड कॉमन तो हमें सिर्फ दो टर्मिनल यूज करने आई जीरो प्लस और कॉमन रिमेंबर जब हमने एनलॉक करंट मेजर किया था जब हमने इनपुट में करंट लिया तो हमने वी और आई को शॉर्ट किया था बट आउटपुट आउटपुट के केस में आपको शॉर्ट नहीं करना ओके okay? सिर्फ इनपुट के केस में आपको वी और आई को शॉर्ट करना है जब आप करंट को रीड कर रहे हो आउटपुट के केस में जस्ट आपको आई जीरो प्लस और कॉमन टर्मिनल यूज़ करना है ओके okay? तब इसकी वायरिंग कैसे करेंगे मेरे पास एक मल्टी है तो मैं चाहता हूँ मेरी करंट की वैल्यू मल्टी मीटर डिस्प्ले हो ओके सो काफ़ी सिंपल है मेरे पास दो केबल्स हैं एक मेरी कनेक्ट होगी आई प्लस पे तो उसको आई प्लस में कनेक्ट करूंगा और एक को कॉमन पे तो कनेक्टर को बाहर निकालो इजी टू वायर तो ये हमारा आई प्लस है यहाँ पे ये कनेक्ट कर लिया आई जीरो प्लस पे और एक जाएगा हमारे कॉमन पे तो ये हमारा कॉमन हो गया ओके, क्वाइट तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया आई जीरो प्लस एंड कॉमन इसको वापस अंदर डाल दो ओके okay, अब मल्टीमीटर में करंट मेजर करना है उस केस में हमेशा ध्यान रखना आपकी सेटिंग्स अंपेयर डी में सेलेक्टेड हो नॉट ए सी डी सी ए सी यहाँ पे और इसके कनेक्शन कैसे होंगे ये हो गया करंट का पॉजिटिव जो जाएगा मिली पेयर्स में यहाँ पे कॉमन पी का मल्टीमीटर के कॉमन पे तो ऐसे आपकी वायरिंग होगी इन केस अगर आपका कोई लोड है तो उसको भी ऐसे कनेक्ट करना पॉजिटिव पे आई प्लस नेगेटिव पे कॉमन अगर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव गिवन है ऑन करो अब पी हमारा पावर ऑफ है पी को पावर ऑन करते हैं अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें पी एल सी मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम टू वोल्स के स्टेप में प्रोग्रामिंग कर रहे थे मैं वही प्रोग्राम सेम प्रोग्राम यहाँ रन करूँगा सो अगर आपने प्रोग्राम नहीं देखा प्लीज़ वॉच द लास्ट वीडियो जिसमें एक बस टाइमर के बेस पे आपका आउटपुट में चेंजेस हो रही है मैं ये दोबारा दिखाऊँगा आपको वैसे बट अदरवाइज मैं लास्ट प्रोग्राम अभी रन करता हूँ तो यहाँ देखो पहले आपके पास हुआ फोर मिलियन पेयर एट मिलियन पेयर्स ट्वेल्व मिलियन पेयर्स सिक्सटीन मिलियन पेयर्स एंड ट्वेंटी मिलियन पेयर्स तो इसमें आपका फोर के स्टेप में इंक्रीज हो रहा है स्टेप ऑफ फोर हर दो सेकेंड के बाद आपका फोर मिलियन पेयर एड होगा जैसे अभी ट्वेल्व मिलियन पेयर्स है सिक्सटीन टू सेकेंड वेट ट्वेंटी टू सेकेंड्स वेट जीरो टू सेकेंड्स वेट फोर और इसका कुछ आ, आ, अपना भी सैम्पलिंग टाइम है कितने टाइम में इसको एसेलरेट कर रहा है ओके okay. तो अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ किसी प्रोग्राम को यहाँ पे मैंने ऑफ़ किया तो ये हमारा फोर मिलियन पेयर पे सेट है अब आते हैं प्रोग्राम पे कि प्रोग्राम में हो क्या रहा था और कैसे हमें ये अंपेयर में वैल्यू आ रही है सो लेट्स स्विच टू द प्रोग्राम और सो प्रोग्राम में देखो क्या हो रहा है हमारे पास एक एम सीरोट है उससे टाइमर ऑन हुआ और टाइमर हर एक टू सेकेंड्स पे एक डाटा रजिस्टर में वैल्यू मूव कर रहा है विच इज डी वन वन सिक्स ना वट इज दाटा रजिस्टर हम मैनुअल में देखते हैं डी वन 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 सिक्स एक डाटा रजिस्टर है जिसमें हमारी वैल्यू जा रही है डी टू वे लेट मी शो यू वे वॉज इट मे बी इन फर्स्ट पेज या ये देखो डी वन, वन डी चैनल डी ए का चैनल जीरो से हमारे पास आउटपुट आ रही है वो output क्या वो क्या होगी? होगी हमारी current value. Because हमने D में कुछ values move है. अब वैल्यू क्या है current का resolution क्या है? वो यहां पे दिया हुआ है ये देखो माइनस टू थाउजेंट टू प्लस टू थाउजेंड विल गिव यू माइनस ट्वेंटी मिलियन पेयर टू प्लस ट्वेंटी मिलियन पेयर ओके हमारी रेंज है जीरो तो यहां पे अगर हमने लास्ट वीडियो में देखा था एनलॉग आउटपुट वोल्टेज इसमें हम इसको मैं नीचे ले जाता हूं दिस इज फोर वोल्टेज और सेम रेजोल्यूशन है हमारा यहां पे है जीरो पे हमें मिलेगा जीरो पे टू थाउजेंड पे ट्वेंटी मिलियनपेयर्स वन थाउजेंड पे एक्जेक्टली हाफ टेन मिलियन पेयर्स ओके okay. अभी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है हमारे अगर आप देखो मल्टीमीटर में फोर मिलियन पेड फोर मिलियन पेयर क्यों आ रही है बिकॉज हमारा पी एल सी के अंदर जो डॉलर रजिस्टर है उसमें फोर हंड्रेड है ओके okay. वो तो कैसे कैलकुलेट होगा अब मैंने वोल्टेज में कैलकुलेट किया था बताया था आपको वन पे मिले मिल रहा है फाइव मिलियन पेड फाइव मिली वोल्ट तो वन पे कितने मिलियन पेयर मिलेगा ये देखो हमें टू थाउजेंड पे ट्वेंटी मिलियन पेर मिल रहा है जो कि आपका माइक्रो ओके। अगर आप उसको देखना चाहते हो मिली टू माइक्रो क्या होता है मिली टेन रेस पावर थ्री इज माइक्रोपेयर सो जीरो पॉइंट जीरो पावर थ्री इज इक्वल टू टेन माइक्रोपेयर बिकॉज माइक्रो स्टैंड माइनस माइक्रोपेयर मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको एनलॉक आउटपुट से रिमेंबर दिस इज माइक्रोपेयर ओके सो इसका रेजोल्यूशन पीएलसी का यह है कि आपको मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है तो एनालॉग आउटपुट वोल्टेज के केस में आपका रेजोल्यूशन है फाइव मिली वोल्ट एनालॉग आउटपुट करंट के केस में आपका रेजोल्यूशन है टेन माइक्रोम पेयर ओके आपका रेजोल्यूशन है कार्ड का तो अभी हमने इसके अंदर फोर हंड्रेड मूव किया था पी एल सी के अंदर सो लेट्स कैलकुलेट फोर हंड्रेड वन में आपका था फाइव मिली वोल्ट फोर हंड्रेड विल गिव यू फाइव इंटू फोर हंड्रेड सॉरी 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 वाई मिली बोल् वन पे आपका था टेन माइक्रो पेयर्स फोर हंड्रेड विल बी टेन माइक्रो पेयर्स मल्टीप्लाई बाय फोर हंड्रेड विच इज फोर थाउजेंड माइक्रोम पेयर्स और फोर दैट्स इट सो फोर मिली पेयर्स आपकी वैल्यू आनी चाहिए अगर आपका इनपुट में फोर हंड्रेड है तो थ्योरेटिकली हमने निकाला अभी आपके सामने और ये प्रैक्टिकली अब यहाँ देखो ई में हमने डाला हुआ है फोर हंड्रेड और मल्टीमीटर uh, पर देखो इट्स अबाउट थ्री पॉइंट नाइन फाइव मिलियन पेयर्स राउंड अबाउट फोर मिलियन पेयर्स ओके तो ऐसे आपकी करंट की कन्वर्जन हो रही है यूजिंग रेजोल्यूशन <coughs> अब अगर मैं इस बिट को ऑन करता हूँ टाइमर दोबारा चलेगा और आप देख सकते हो मल्टीमीटर पर वैल्यू अभी फोर मिलियन पेयर है अब एट मिलियन पेयर्स बिकॉज उसमें एट हंड्रेड है तो ऐसे आपकी करंट की वैल्यू चेंज हो रही है बेस्ड ऑन सम स्टेप्स यूजिंग सेम एग्जाम्पल्स ओके तो ये था आपका एन आउटपुट इन केस ऑफ करंट अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम फैक्ट्री पर जाएंगे दोबारा से और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेते हैं कि कैसे आपका वोल्टेज आउटपुट यूज हो सकता है तो हम वोल्टेज का एग्जाम्पल लेते हैं ओके सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो टू सी हाउ यू कैन यूज आई आउटपुट वोल्टेज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाओ